हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीताज किचन मैजिक। आज हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए आज पूरे 75 साल हो गए हैं। तो इस जश्न को हम सभी भारतवासी जो हैं घर घर तिरंगा लगाकर बना रहे हैं। पूरा देश, पूरा शहर, काफी गली मोहल्ले सभी जो है हमारे तिरंगे से सजे हुए। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस जश्न के महोत्सव में कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमारे ट्राई कलर को रिप्रेजेंट करे। तो हम आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है हमारी ट्राई कलर सैंडविच की। उम्मीद करते हो कि आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्राई कलर सैंडविच बनाने के लिए ये मैंने ली है 4 व्हाइट ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड का भी इसमें यूज कर सकते हैं और व्हाइट ब्रेड का भी। साथ ही मैं लूंगी एक टमाटर जिसे मैंने गोल गोल पतला पतला काट लिया है, और ये लेंगे हम एक खीरा जिसे भी मैंने जो है पतला पतला गोल गोल काट लिया है, और ये मैंने ली है एक गाजर जिसे मैंने कद्दूकस करके यूज करेंगे, और ये लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब टोमेटो सॉस, और ये मैंने शिमला मिर्च लिया है उसके 2 स्लाइसेस को इस तरह से मैंने गोल गोल काट लिया है बीज निकाल कर, और साथ ही मैंने लिए बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट मेयोनीज जो कि सैंडविच में हमारा देगी व्हाइट टेक्सचर, और ये साथ में हम यूज कर रहे हैं ओरिगेनो, बिल्कुल ऑप्शनल है, और ये ले रहे हैं हम चाट मसाला 1 टेबलस्पून के करीब, और ये लेंगे हम बटर या घी, आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं या बटर का भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही हम लेंगे ये मोजरेला चीज। मोजरेला चीज की जगह पे अगर आपके पास में नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं प्रोसेस चीज, या आप चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। जो भी चीज आपको इजीली अवेलेबल हो आपके घर पे या आपके नियर बाय एरिया में वो आप इस सैंडविच में यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर के लिए हम बना लेंगे पहले हरे धनिए की चटनी। ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है जिसको मैंने धो के सुखा के बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम डालेंगे एक अपने ग्राइंडिंग जार में। साथ में मैं ये डाल रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियां। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप चटनी में मत यूज कीजिएगा। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा टमाटर। टमाटर हम थोड़ा सा खट्टेपन के लिए लेंगे, हम देसी टमाटर का यूज कर रहे हैं, और अदरक को भी जो है हम इस तरह से छोटा छोटा काट के इसमें डाल लेंगे। और ये मैंने डाली है 1 टेबलस्पून के करीब आलू भुजिया जिसे हम जनरली घर में यूज कर, वही आलू भुजिया है ये। इससे जो है चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार यूज करके देखिएगा। और हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब दही। ये मैंने मार्केट वाला दही यूज कर रही हूँ, आप घर का दही भी यूज कर सकते हैं। और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है चटनी में तो आप ज्यादा हरी मिर्चों का भी यूज कर सकते हैं, बट बच्चों को जो कई बार ऐसे होता है ना कि तीखा ज्यादा पसंद नहीं आता, तो इस सब को हम जो है पहले पीस लेते हैं। अब देखिए मैंने अपनी चटनी भी तैयार कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्रेड के कॉर्नर्स को निकाल देते हैं। कॉर्नर्स निकालना अगर आपको पसंद नहीं है, आपको ब्रेड थोड़ा क्रिस्पी ज्यादा पसंद आता है, तो आप जो है कॉर्नर्स को बिना निकाले भी सैंडविच बना सकते हैं, और इन कॉर्नर्स को फेंकिएगा नहीं, तो इनको थोड़ा ड्राई करके इनके ब्रेड क्रम्स हम बना लेंगे। बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं ब्रेड क्रम घर में इजीली। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्रेड पर जो है हम पहले अपना ये बटर जो हमने लिया है उसको अच्छे से लगा लेंगे दोनों स्लाइसेस पर। आप जितना चाहे उतना बटर इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि बटर से जो है सैंडविच में क्रिस्पीनेस आती है। अब जैसे कि मैंने सभी ब्रेड पर जो है अपने बटर लगा लिया है, अब हम ग्रीन कलर को शो करने के लिए इस पहले एक एक करके अपनी ब्रेड स्लाइस पर हम लगाएंगे अपना ग्रीन चटनी। तो हम पहले एक ब्रेड पर लगा लेते हैं पूरी ग्रीन चटनी अच्छे से, और साथ ही इसके ऊपर हम लगा लेते हैं अपने ये खीरे के स्लाइसेस जो हमने काटे हैं वो हमारे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके ब्रेड स्लाइस के ऊपर अपनी कुकुम्बर के स्लाइसेस आ जाते हैं उनको एडजस्ट कर लीजिए, और हम दूसरी साइड पे भी ब्रेड की जो है अपनी स्लाइस पर हम ग्रीन चटनी लगा दें क्योंकि इसको हम इसके ऊपर कवर करेंगे, तो इस साइड भी जो है हम इसके ग्रीन चटनी लगा लेंगे। और जिस स्लाइस पर हमने कुकुम्बर के स्लाइसेस लगाए हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोजरेला चीज स्प्रिंकल कर दूंगी, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, कुकुम्बर के स्लाइसेस को भी लगा सकते हैं सैंडविच में। अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरी स्लाइस से, और हम व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर से लगाएंगे व्हाइट मेयोनीज। तो इस स्लाइस पर हम पूरी तरह से अच्छे से जो है कवर कर देंगे इसको अपने व्हाइट मेयोनीज, और इसके ऊपर भी जो है मैं व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा रही हूँ वही अपनी मोजरेला चीज। आप चाहे तो एक बार ही मोजरेला चीज का यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर के साथ में मत डालिए, चाहे आप अपनी सेकंड लेयर पे डाल दीजिए अच्छे से चीज,
आप अच्छे से भर भर के चीज डालिएगा, क्योंकि बच्चों को जो है सैंडविच में चीज बहुत पसंद आता है। फिर से हम इसके ऊपर दूसरी स्लाइस ब्रेड की रख देंगे और इसको कवर कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो है हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब बारी आती है हमारे ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक अलग सी कटोरी में जो है थोड़ा सा लिया है मायोनीज अपना व्हाइट वाला, और थोड़ा सा मैं ये ले रही हूँ अपना टोमेटो सॉस। दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि हमारा जो है ये ऑरेंज कलर सा बन जाएगा। तो ये हमारा ऑरेंज कलर का हमारा सॉस तैयार हो गया है, देखिए इस तरह से। क्योंकि अगर हम रेड लगाएंगे तो वो थोड़ा रेड लगेगा सॉस एकदम, इसमें थोड़ा सा व्हाइट शेड मिक्स कर देंगे तो हमारा ये ऑरेंज कलर बन जाएगा। तो हम अपनी लास्ट स्लाइस के ऊपर जो है अपना ऑरेंज कलर वाला सॉस लगा देंगे। पूरी तरह से ब्रेड स्लाइस को जो है हम अच्छे से कवर कर देंगे अपने ऑरेंज कलर के सॉस से। देखिए इस तरह से पूरा ये मेरा ब्रेड स्लाइस जो अच्छे से कवर हो गया है। अब इसके ऊपर जो है मैं साथ में लगाऊंगी अपनी ये गाजर जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई थी। अब जिस स्लाइस में मैंने ये गाजर लगाई है कद्दूकस करी हुई, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो। बिल्कुल ऑप्शनल है, ऑरिगेनो भी यूज कर सकते हैं आप, इसकी जगह चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं आप, इसके साथ में जो मिक्स हर्ब आते हैं जो हम पिज्जा में यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं आप, जो है चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जो बच्चों को पसंद आए वो आप इसमें अपने आप से चेंजेस कर सकते हैं। अब ब्रेड के दूसरी स्लाइस पे भी जो है मैं अपने ये ऑरेंज कलर का जो मैंने सॉस तैयार किया था वो भी लगा दूंगी अच्छे से। अब इस तरह से मैं अपने दोनों स्लाइसेस को जो है एक साथ एडजस्ट कर दूंगी और थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, क्योंकि ये जो मैंने वेजिटेबल्स इसमें लगाई हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए ब्रेड स्लाइसेस के साथ में। और इसके ऊपर से भी जो है हम इसमें बटर लगा देंगे ताकि हमारे जो सैंडविच है बहुत ही क्रिस्पी बने। जितने हमारे सैंडविच क्रिस्पी होंगे उतने ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से बटर से कवर कर। अब ये हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया है। दूसरे सैंडविच के लिए फिर से हम वही अपने ब्रेड के 4 स्लाइसेस लेंगे, स्प्रेड करेंगे उनके ऊपर अच्छे से बटर या घी, चारों स्लाइसेस के ऊपर हम अच्छे से लगा लेंगे। और फिर से वही हम ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी ग्रीन धनिये वाली चटनी लगाएंगे। दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे जो है अच्छे से हम जो है अपनी ग्रीन चटनी लगा देंगे। इस तरह से पूरी स्लाइस को जो है हम अच्छे से कवर कर देंगे अपनी। अब जैसे कि पहले वाले सैंडविच में हमने ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुकुम्बर के स्लाइसेस को यूज किया था, सेकेंड सैंडविच में जो है हम यूज करेंगे अपने शिमला मिर्च की स्लाइसेस को, मतलब कैप्सिकम स्लाइसेस को। और उसपे भी जो है हम थोड़ा सा मोजरेला चीज स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि एज यूजुअल बच्चों को जो है चीज बहुत पसंद आता है, चीज के चक्कर में वो सब्जियां भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और फिर से हम जो है अपने सेकेंड स्लाइस पे जो है अपना ऊपर से हम लगाएंगे अपना व्हाइट मायोनीज व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से हम अपने दोनों स्लाइसेस पे जो है अच्छे से मायोनीज से कवर कर देंगे बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है हम अपने व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से लगाएंगे अपनी मोजरेला चीज अच्छे से भर भर के, क्योंकि बच्चों को चीज बहुत पसंद आती है। तो और जो सेकेंड स्लाइस है हमारी जिसपे हमने व्हाइट मायोनीज लगाई थी उसको फिर से हम इसके ऊपर कवर कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब फिर से हमारी बारी आती है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए वही फिर से हम अपना ऑरेंज कलर वाला सॉस यूज करेंगे। स्लाइस के दोनों साइड पर हम अच्छे से अपना ऑरेंज सॉस लगा देंगे। पूरी स्लाइसेस दोनों स्लाइसेस को ऊपर और नीचे से दोनों साइड से कवर कर देंगे। और इस बार हम गाजर की जगह पे यूज कर रहे हैं टमाटर के स्लाइसेस को। इसीलिए मैंने कहा था कि टमाटर के स्लाइसेस को थोड़ा पतला पतला काटिएगा, क्योंकि सैंडविच में अगर मोटे स्लाइसेस लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं लगते हैं। तो हम जितना पतला पतला काटेंगे स्लाइसेस को उतने ही हमारे सैंडविच अच्छे से लगते हैं और हमारे अच्छे से टोस्ट भी हो पाता है सैंडविच। और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे फिर से अपना ऑरिगेनो या चाट मसाला, जो भी आपको पसंद हो अच्छे फ्लेवर के लिए। और हम दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। और उसके ऊपर से हम लगा देंगे फिर से बटर या घी, जो भी आप यूज कर रहे हैं फॉर क्रिस्पीनेस के लिए। अब सैंडविच बनाने के लिए आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं सैंडविच को, या आप सैंडविच मेकर पे भी बना सकते हो। मैं आज इसको सैंडविच मेकर पे बना रही हूँ इस तरह से। ये मेरे पास सैंडविच मेकर है, मैंने अपना दोनों के दोनों सैंडविच जो बनाए हैं इनको इस पे सेट कर दिया है। और इसमें हम वेट करेंगे, अपने आप लाइट आती है इसमें ग्रीन कलर की और रेड कलर की, जब आपका बन जाएंगे तो आपकी रेड लाइट बंद हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो मेरी ये सैंडविचेस ट्राई कलर सैंडविचेस बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये ऊपर से जो आपको थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट लग रहा है ये जला नहीं है, ये हरी चटनी की वजह से थोड़ा सा ऐसा डार्क स्पॉट बन गया है, बट ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप बना के देखिएगा एक बार जरूर। अब इनको हम बीच में से कट कर लेते हैं। मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रही है।
ऊपर से तो देखिए बिल्कुल इनका तीनों कलर जो है अच्छे से शो हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने। तो इस तरह से देखिए मेरे सैंडविचेस बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब ये काटने के बाद तो बिल्कुल ही सुंदर दिख रहा है सैंडविच, खाने के में तो है ही टेस्टी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से अगर आपके बच्चों के स्कूल में किसी तरह का कॉम्पिटिशन है इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पे, जिसमें कि हम ट्राई कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इस तरह के सैंडविचेस बच्चों को अपने कॉम्पिटिशन में बनाकर भेज सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप इनको चाहें तो बिना टोस्ट किए भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि मतलब कि आपको टोस्ट करके ये वेजिटेबल्स के साथ में नहीं पसंद है बच्चों को, तो आप सिंपली बिना टोस्ट किए भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं बिना टोस्ट किए भी और टोस्ट कर। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।